बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना बच्चों? अगले वीडियो में आपने अभ्यास 1, 2 और 3 के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम अभ्यास 4, 5 और 6 के बारे में जानेंगे। अभ्यास 4, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। बच्चों, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा था कि स्क्रीन पर बारी बारी से चित्र आएंगे और उसे देखकर आपको नाम बोलने हैं, उसी तरह इस वीडियो में भी आपके पास यानी कि आपके सामने बारी बारी से स्क्रीन पर चित्र आते रहेंगे। आप सबको उसी का नाम बोलना है। तितली, मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल, चूहा, बैल, उल्लू, भालू, खरगोश, बंदर, कौवा, केला, सेब, अनार, फूलगोभी, भिंडी, लौकी, इमली, ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, मूली, चम्मच, जहाज, आम, नाक, हल, रेल, गुलाब, दर्जी। अभ्यास 5, देखकर सही रूप से लिखिए। बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पर बारी बारी से व्यंजन आते रहेंगे। आप सबको उसे ध्यान से देखना है और अपनी किताब में लिखना है। तो सबसे पहले क, ख, च, ज, ई, ज़,
अण ब भ ल उ अ द ए अभ्यास छे। गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ आपके सामने गुजराती और हिंदी वर्ण आएंगे, उसके बीच का आपको भेद देखना है और अपनी किताब में यह अभ्यास लिखना है। हम बारी बारी से सब व्यंजन बोलते जाएंगे, एक बार हम देख लेते हैं। क ख च ज इ ज फ ए अण ब भ ल उ अ द ऐ। योग्यता विस्तार बुझो। बच्चों, इसका अर्थ है पहेली। यहाँ मैं आपको एक पहेली दिखाऊंगी, उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है? तो चलो, आपके सामने आ रही है पहेली। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। हाँ, बहुत अच्छी तरह आपने जवाब दिया। उसका उत्तर है पतंग। मुझे लगता है शायद उत्तरायण नजदीक है, इसलिए आप सबको उत्तर बहुत सही से आ गया। बहुत अच्छे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप